वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज से हम यूनिट फिफ्थ स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। और गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये दो टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, जो हमारे प्रीवियस यूनिट्स की वीडियोस हैं, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हो इन सभी यूनिट्स को। सो गाइस, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं यूनिट फिफ्थ पार्ट वन, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो देख लेते हैं। कोई भी मतलब कि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आना जो हम फॉर्मूलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, उसके एक्टिविटी या एक्शन या एफिकेसी या स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाता है, और वो जो हमने फॉर्मूलेशन किया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो सूटेबल नहीं होता यूज़ के लिए, उसी को हम बोलते हैं स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। तो सेवरल फैक्टर्स डेट कॉज स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल। ये थ्री वे में स्पॉयलेज होता है प्रोडक्ट्स का। तो फिजिकल में देखते हैं, स्पॉयलेज ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स लाइक हीट, टेम्परेचर या इवोपरेशन द्वारा स्पॉयलेज होता है। केमिकल में केमिकल रिएक्शन द्वारा, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयोनाइजेशन या फोटोलाइसिस। अगर हम वही माइक्रोबियल की बात करें, यानी माइक्रोबियल सेल्स, जैसे तो माइक्रोबियल सेल्स जैसे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माल्ट्स हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वो हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक और माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल स्पॉयलेज इंक्लूड द कॉन्टेमिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कॉन्टेमिनेशन हो जाना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में विद द माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की वजह से, विच लीड्स टू स्पॉयलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से ये स्पॉयलेज हो गया प्रोडक्ट का, और जो भी हमारा ड्रग है सेफ्टी एंड क्वालिटी उसको अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो नॉट इंटेंडेड फॉर यूज़, यानी उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है, तो फिजिको केमिकल स्पॉयलेज, और सेकंड वन इज़ बायोलॉजिकल स्पॉयलेज, और थर्ड वन इज़ केमिकल स्पॉयलेज। तो वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट वन इज़ ए फिजिकल केमिकल स्पॉयलेज, फिजिको केमिकल स्पॉयलेज सॉरी। तो इन दिस काइंड ऑफ स्पॉयलेज देयर आर सम केमिकल चेंजेस आर कॉज्ड बाई माइक्रोबियल सेल, यानी माइक्रोबियल सेल क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंजेस आ जाती है, और आर ऑल्सो गेट एल्टर्ड, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पॉयलेज में आ जाता है। तो फिजिको केमिकल स्पॉयलेज अगर समझना चाहें तो जो माइक्रोबियल सेल है वो क्या कॉज कर रहे हैं, तो केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एल्टर्ड हो जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पॉयलेज हो जा रहा है, यानी वो नॉट इंटेंडेड फॉर यूज़, यानी उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया फिजिको केमिकल चेंज स्पॉयलेज। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले वायबल ग्रोथ के थ्रू कैसे स्पॉयलेज आता है। तो इन दिस काइंड ऑफ स्पॉयलेज, तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोबियल सेल है वो फॉर्म करते हैं लेयर ओवर द सरफेस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन। तो गाइस, जैसे कि हम कोई सिरप हो गया, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि माइक्रोबियल सेल अगर कॉन्टेमिनेट हो जाता है तो एक विजिबल लेयर बना देता है, जिसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं गाइस, कि जो हमारा ये सिरप है, सिरप तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। नॉर्मल सिरप ऐसे ही होता है, बट ऊपर लेयर बनने की वजह से वो क्या होता है, स्पॉयलेज हो जाता है। इसी को वायबल ग्रोथ के थ्रू स्पॉयलेज हुआ। अब हम कोलोरेशन की बात करते हैं। कोलोरेशन जनरली मीन्स होता है कलर चेंज, यानी कलर चेंज ऑकर ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट केमिकल नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन। जो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर का जो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो उनका जो केमिकल नेचर है उस वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो
कलर ले लेता है। अगर कलर नहीं भी है तो कलर आ जाता है, अगर कलर है तो चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से कॉज करता है पीएच के दौरान, जब हम चेंज करते हैं ना पीएच, उस दौरान पे जो हमारा कंपोनेंट है उसका केमिकल नेचर अल्टर्ड हो जाता है गाइस। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड वन बात कर लेते हैं, गैस प्रोडक्शन। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्टामिनेंट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोड्यूसेस गैस बाई देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फॉर्म गैस बबल एंड फॉर्म ओवर द फॉर्मुलेशन। तो गाइस इसमें और कुछ नहीं है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ड्यूरिंग हम जब फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं तो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेट्स की वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं इन माइक्रोब्स के द्वारा, और ये क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान फॉर्म कर लेते हैं क्या, गैस बबल या फिर फोम। फोम यानी ऊपर एक परत हमारे फॉर्मुलेशन यानी जो हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। सो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये ख़त्म हुआ फिजिको केमिकल स्पॉयलेज, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल स्पॉयलेज के बारे में। तो केमिकल स्पॉयलेज में क्या है, इन दिस काइंड ऑफ स्पॉयलेज, इस स्पॉयलेज कैसे होता है, तो अकर ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मीडिएटेड बाय कॉन्टेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेमिनेशन के वजह से वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और इसी को हम केमिकल स्पॉयलेज बोलते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन ऑकर होता जाता है। तो सम बैक्टीरिया सेल, कुछ बैक्टीरिया सेल जो है वो कंटेन करते हैं एंजाइम्स को, इस ऐसे टाइप के एंजाइम्स को जो कैटलाइज़ करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वो। एंड सम बैक्टीरिया सेल कंटेन्स एंजाइम्स डेट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करके वो स्पॉयलेज कॉज कर देते हैं। सेकेंड वन इज एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में भी ऐसा ही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनके पास सेलुलर एंजाइम होता है जो कॉज करते हैं एसिटाइलेशन, जिसकी वजह से जो ड्रग्स रहता है वो कॉज लॉस ऑफ एक्टिविटी, यानी उसका कुछ एक्टिविटी है वो लॉस हो जाता है, यानी प्रॉपर वो वर्क नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यह स्पॉयलेज कंटेन कर लिया। डिग्रेडेशन ड्यू टू माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, यानी माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन की वजह से जो फॉर्मुलेशन है उसके इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिग्रेड और मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, यानी कम हो जाता है या फिर मेटाबोलाइज्ड हो जाता है जो फॉर्मुलेशन के दौरान जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, किस वजह से, तो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन की वजह से। अब हम लास्ट वन देख लेते हैं, सी बायोलॉजिकल स्पॉयलेज आफ्टर देन फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लेते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पॉयलेज में क्या है कि सम बैक्टीरिया सेल कंटेमिनेटेड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड डेट माइक्रोबियल सेल परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल एंड दिस केमिकल कॉजेस स्पॉयलेज ऑफ प्रोडक्ट। तो गाइस इसका सिंपल मीनिंग ये है, कि गाइस जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वो हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको कॉन्टेमिनेट करते हैं सबसे पहले, और जैसे ही वो कॉन्टेमिनेट करेंगे कौन, तो बैक्टीरिया सेल, वो सेल क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे आफ्टर कॉन्टेमिनेशन। तो जैसे ही कॉन्टेमिनेशन किया तो माइक्रोबियल सेल ने क्या करा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने कुछ सर्टेन केमिकल्स को प्रोड्यूस किया, और यही प्रोड्यूस करने से जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पॉयलेज हो गया। तो जनरली गाइस, और वो कौन कौन से केमिकल है, तो द केमिकल रिलीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोबियल टॉक्सिन और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट। अब हम पढ़ लेते हैं गाइस, फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो गाइस फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में कैसे होता है तो देख लेते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल मटेरियल, अगर न्यूट्रिशनल मटेरियल है हमारे प्रोडक्ट में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, और इसी एनर्जी के थ्रू वो सर्वाइव करेंगे और पूरा पॉलीफ्रेट हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे पूरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। इन एनी फॉर्मुलेशन, अगर कोई भी फॉर्मुलेशन होता है, अगर उसमें वेजिटेबल हर्बल एक्सट्रैक्ट हो या फिर एनिमल टिश्यू और टिश्यू एक्सट्रैक्ट हो, ये प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन जो कि माइक्रोबियल सेल के सपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद है। डेमिनरलाइज्ड वाटर,
जो कि प्रिपेयर होता है कहाँ से, तो एक्सचेंज मेथड से, आयन एक्सचेंज मेथड से, जो कि कंटेन करता है सम न्यूट्रिशनल मटेरियल, और वो भी हेल्प करता है किस टाइप के बैक्टीरिया को, स्यूडोनोमास बैक्टीरिया को। मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लाइक एक लाइक वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस हो गया किसी फॉर्मुलेशन के अंदर, वो भी बहुत ही सपोर्टिव होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, सेकेंड फैक्टर देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम सेकेंड बात कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट, जो जिसको हम वाटर का एक्टिविटी भी बोलते हैं, सेकेंड फैक्टर ये। तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपको गाइस मालूम है, उनको चाहिए होता है वाटर या मॉइस्चर ग्रो होने के लिए। तो जो प्रेजेंस अगर है हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसमें अगर अनकॉम्प्लेक्स वाटर बच रहा है, डैट मीन्स जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ है वो ईजिली ग्रोथ हो जाएगा। माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे बहुत मतलब तेज़ी में होगा, जितना ज़्यादा होगा वो अनकंट्रोल कॉम्प्लेक्स बल्कि अनकॉम्प्लेक्स वाटर का मतलब क्या हुआ वो हम समझ लेते हैं कि when solute dissolve in water, जब भी solute dissolve होता है water में तो ये form करता है hydrogen और other bonds with water and form complex water, complex water form हो गया। but जो water बच जाता है यानी जिनके साथ bond नहीं बन पाता वो free water या unbonded water molecules को हम क्या बोलते हैं, uncomplex water बोलते हैं। सो गाइस, ये अनकॉम्प्लेक्स वाटर सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, और जितना ज़्यादा ये वाटर होगा अनकॉम्प्लेक्स वाटर उतना ही तेज़ी में हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। कंडेंस्ड वाटर फिल्म समटाइम्स एक्युमुलेशन ओवर सम ड्राई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये गाइस ड्राई फॉर्मुलेशन होते हैं, यानी जैसे कि टैबलेट्स हो गया, ऑयल्स हो गया। तो गाइस अगर हम इनको स्टोर करते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है कि एक परत बन जाता है मॉइस्चर का, और यही मॉइस्चर क्या सपोर्ट करता है फंगल के एक्टिविटी को, और डेट इज़ एज पर गेलस ग्लेकस और ईस्ट ग्रोथ, यहाँ पे इजीली ग्रो हो जाते हैं ये दोनों बैक्टीरिया। सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं थर्ड फैक्टर जो है रेडॉक्स पोटेंशियल। अब रेडॉक्स पोटेंशियल में रेडॉक्स मतलब जनरल हमें मालूम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो यही समझाया गया सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और रिडक्शन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सो गाइस, जनरली क्या होता है कि माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए गाइस एनर्जी चाहिए होती है, आपको भी गाइस मालूम है। तो ये एनर्जी जो मिलता कहाँ से है, तो इन रेडॉक्स पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज मेजर फैक्टर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और यही एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है ये हेल्प करता है ग्रोथ के लिए किसको, माइक्रोबियल सेल को। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग डिज़ाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। तो गाइस, जैसे कि मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं, ये बहुत ही जल्दी अफेक्टेड हो जाता है माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन से। कैसे, बिकॉज जो ये मल्टी डोज कंटेनर होते हैं ये अगेन अगेन एक्सपोज होते हैं किससे, तो एनवायरनमेंट से, व्हेन द ड्रग इज़ विड्रॉल फ्रॉम कंटेनर, जब भी निकाला जाता है कंटेनर से इन ड्रग्स को। तो वाइड ओपनिंग माउथ कंटेनर डैट कंटेन फॉर्मुलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या प्रोटीन या विटामिन या एनिमल एक्सट्रैक्ट आर रेडिली कॉन्टेमिनेटेड एज दे प्रोवाइड लार्ज सर्विस एरिया एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। ये क्या होते हैं वाइड ओपनिंग माउथ कंटेनर, ये लाइक अब नाम से ही पहचान पा रहे हो गाइस कि वाइड ओपनिंग माउथ कंटेनर, डैट मीन्स इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, और ये एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट से जब हम इसमें से निकालेंगे प्रोडक्ट्स को, तो क्या होगा कि कॉन्टेमिनेशन कॉज हो जाएगा यहाँ पे, और कॉन्टेमिनेशन होने की वजह से इजिली ग्रोथ हो जाएगा बैक्टीरियाज का। सो नेक्स्ट वन इज स्टोरेज टेम्परेचर, द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कैन अफेक्टेड माई माइक्रोबियल सेल बिटवीन द टेम्परेचर रेंज, यानी -20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक जो बैक्टीरिया सेल है वो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को, बट बिलो -20 डिग्री सेल्सियस जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन होता है ये मतलब कि नहीं हो पाता, यानी सर्वाइव ही नहीं कर पाते -20 डिग्री से पहले, बिकॉज वो फ्रीज हो जाते हैं। और अबव 60 डिग्री सेल्सियस माइक्रो ग्रोथ सप्रेस्ड, द रीज़न फॉर डैट इज़ इनएक्टिवेशन, यानी यहाँ पे क्या होता है इनएक्टिवेशन हो जाता है अगर उनको नॉर्मल एवरेज ऑफ टेम्परेचर नहीं मिला तो।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो गाइस, और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लो, और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और गाइस हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी हम नोट्स अपलोड करेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए उनको भी बोल दो कि हमारे वेबसाइट लिंक को कॉपी करके रखें, हम कुछ डेज में उस पर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के भी अवेलेबल करवा देंगे, थर्ड सेमेस्टर के तो करवा ही रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।